बड़ा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे शख्सियत के साथ बैठा हूँ, एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूँ जो आज की पीढ़ी के लिए वाकई लिविंग लेजेंड है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ग्वालियर घराने को तीर्थ की तरह माना जाता है, और मैं जिस शख्सियत के साथ बैठा हूँ वो उस घराने के संस्थापक जो हैं, संस्थापक परिवारों में से रहे हैं। पंडित एल के पंडित जी, उनसे बातचीत करेंगे उनके बारे में, आज के संगीत के बारे में, और आने वाली जो संगीत की जो परंपरा है, जो जड़ है, उन सब चीज़ों के बारे में। पंडित जी, बहुत 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 धन्यवाद कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पहला सवाल तो यही कि आप जिस घराने से हैं, उस घराने के संस्थापक परिवारों में से हैं आप, कैसा था आपका बचपन, किस तरीके से गुजरा आपका बचपन, और कैसा माहौल घर में कैसा था? जाहिर सी बात है, हर तरफ संगीत ही संगीत रहा होगा। घर में तो सारा संगीत ही था भाई, मेरे तमाम बड़े भाई लोग सब संगीत में थे, सब संगीत, और शिष्य लोग सब घर में रहते थे। 10-15 शिष्य लोग बाहर से आते थे, हिंदुस्तान से, तमाम हिंदुस्तान से लोग आते थे, घर में रहते थे। वो सुबह से रियाज शुरू हो जाता, 3 बजे सुबह से जो रात के 11-12 बजे तक संगीत ही चलता था। पंडित जी, आप शास्त्रीय संगीत या संगीत कहा जाए तो उसकी जो पूरी दुनिया है, बड़ी दुनिया है, उसमें आप एक इंस्टीट्यूट की तरह हैं। आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँ कि पिछले 3-4 दशकों में, 30-40 सालों में आपने क्या बदलाव महसूस किए संगीत में, शास्त्रीय संगीत किस तरफ जा रहा है, क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं जो आपको महसूस हो रहा हो? मैं सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक की बात जी, बिल्कुल क्लासिकल म्यूजिक में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है, बहुत बहुत ज़बरदस्त बदलाव हुआ है। क्योंकि हमारे बड़े म्यूजिशियन जो थे, जो जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी पहले, अब वो बहुत कम हो गए हैं। वो चले जाने के बाद उनकी जगह लेने वाला बहुत कम जगह संगीतकार पैदा हुए हैं, तो ये थोड़ा सा बदलाव। दूसरी बात, जानकार श्रोता, पहले जो श्रोता थे वो जानकार थे, वो कलाकार को भी ये टोक देते थे, ओ भाई ये क्या गा रहे हो। आजकल ऐसे कोई श्रोता नहीं है, आजकल तो सिर्फ ताली बजाने वाले श्रोता हैं। आप गाएंगे और आखिर में ताली बजाएंगे, आप जो भी गाएंगे। तो ये थोड़ा सा बहुत बड़ा बदलाव है, जिससे क्लासिकल म्यूज़िक का स्टैंडर्ड कम हुआ है, उसकी गहराई कम हुई। और बड़ी बड़ी पहले तो महफिल होती थी रात को 9 बजे शुरू होकर सुबह 4 बजे तक, वो महफिलें ख़त्म हो गई। अब समय के अभाव से या आजकल के समय परिवर्तन से, तो उससे बहुत बड़ा बदलाव है कि कलाकारों की डेप्थ कम हो गई। पहले तो कलाकार जो रात को शुरू करता था, एक ही कलाकार सुबह तक गाता था, उनके बाद इतना मसाला होता था, वो अब कम हो गया है भाई। पंडित जी, आप जिस गिरावट की बात कर रहे हैं कि अब उस तरह के श्रोता नहीं हैं, प्लस जो बड़े कलाकार गए उनका उस तरीके से लोग उस जगह को, जो जगह खाली हुई वो जगह नहीं भरी गई, इसकी वजह क्या है? क्या पॉपुलर म्यूजिक जो है, यानी जो लाइट म्यूजिक कह लें या फिल्मी म्यूजिक जो कह लें, वो इतना लोकप्रिय होता जा रहा है कि ये गिरावट देखने को मिल रही है? इस समय की मतलब ये है, महिमा है भाई, क्योंकि समझदार श्रोता तो जो सुनता है संगीत ज़्यादा देर तक, तो वही समझदार बनता है ना धीरे धीरे, तो वो सुनता ही नहीं है संगीत। तो उनको पॉपुलर मीडिया जो है वो क्लासिकल म्यूज़िक को टेलीकास्ट नहीं करता, उनके कानों में पड़ता ही नहीं है, और जो पड़ता है वो थोड़ी देर पड़ता है, तो वो इतने गहरे रसिक श्रोता नहीं बन पाते। तो ये पॉपुलर म्यूजिक तो ऐसा थोड़ी देर चलता है, फिर ये हो जाता है, बंद हो जाता है, उसका कोई मन के ऊपर या आपके हृदय पर उसका कोई परिणाम ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है। पंडित जी, आपके बारे में जो एक परसेप्शन है, जब हम लोग आपके कार्यक्रमों को देखने गए तो आसपास जो संगीत के बड़े जानकार जो लोग थे, जिनसे मैंने सुना, जिन्होंने ये कहा कि पंडित जी मुश्किल चीज़ें गाते हैं, मुश्किल चीज़ों से मतलब ये नहीं कि समझ में आने में मुश्किल, बल्कि वो मुश्किल चीज़ें जो गायकी के लिहाज से मुश्किल हैं, तो ये क्या, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या मिस्ट्री है, ये मुश्किल गायकी से क्या रिश्ता है? हाँ, मुश्किल चीज़ें इसलिए समझ में आता है, मतलब ये है कि ये अष्टांग गायकी है जी, इसमें सब गायकी के अंग आते हैं, तो उनका प्रदर्शन करने में शायद वो महसूस करते हैं कि ये मुश्किल चीज़ें हैं। पंडित जी, आपकी बेटी हैं मीता पंडित, जो बहुत अच्छा गा रही हैं, परंपरा को आगे ले जा रही हैं, आप उनको एक पिता के तौर पर, एक गुरु के तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं उनको? बड़ी खुशी की बात है कि परंपरा आगे चलनी चाहिए ना, परंपरा तो आगे चलनी चाहिए,
और आजकल जो है वो शिष्य लोग जो भी हैं वो इतने ज़्यादा गहराई में नहीं उतरते, उनका काम हो गया, उनका कोई नौकरी मिल गई तो वो उनकी शिक्षा, हम तो आखिरी दम तक सीखते रहे क्योंकि इसमें इसमें इतनी गहराई है कि उसको कोई नाप नहीं सकता आज तक, संगीत की इतनी गहराई है। तो वो परिवार में कोई ऐसा करता रहे, मेरा बेटा कर रहा था वो, मगर वो भगवान ने उसको ले लिया। तो परिवार में करें तो उनको हम डांट सकते हैं, ये कर सकते हैं, मगर दूसरों को इस तरह से नहीं कर सकते, और उस तरह के लोग आजकल हैं नहीं शिष्य। पहले ज़माने में मेरे दादाजी थे जो जिन्होंने गुरुओं को अपने घर में रखाया, खान साहब को घर में रखा उस ज़माने में, ये 19वीं शताब्दी की बात है, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात है, जबकि एक खान साहब एक वेद शास्त्र संपन्न परिवार के घर में रहते थे, उनका परिवार का सदस्य बनकर, और उन्होंने सारी विद्या उनसे सीखी। तो वो ऐसा आजकल होना, आजकल तो घर में जगह ही नहीं है। पंडित जी, बहुत बड़ा सवाल है वैसे तो अगर देखा जाए, और इसका जवाब शायद कई समय लगेगा, कई किताबें लिखी जाएं, लेकिन आपसे, आपके लंबे तजुर्बे से अगर पूछूं मैं कि जो नए बच्चे हैं जो संगीत में आना चाहते हैं, शास्त्रीय संगीत में आना चाहते हैं, उनको क्या करना है, ये तो बहुत से लोग बताते हैं, उनके गुरु भी बताते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ आकर बच्चे गलती कर जाते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो आपको लगती हो कि ये करना चाहिए लेकिन ये नहीं करना चाहिए, ऐसी कुछ बातों पर अगर आप नज़र डालें, कुछ अगर जानकारी दें तो क्या नहीं करना चाहिए, यानी उसने तो अपने सिर्फ संगीत का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए शिक्षा ज़रूरी है और अभ्यास भी ज़रूरी है, मगर चिंतन बहुत ज़रूरी है, चिंतन करना चाहिए, वो चिंतन कम करते हैं लोग तभी वो कुछ चीज़ें बन पाती हैं। वो कहते हैं शिक्षा, सीखा देखा परख्या, शक्ति भक्ति युक्ति, शक्ति चाहिए वो विद्या धारण करने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए शक्ति चाहिए, पेशेंस चाहिए, भक्ति चाहिए कला के प्रति, गुरु के प्रति, और वो तो उससे जो, और फिर युक्ति चाहिए, युक्ति यानी चिंतन, जब तक युक्ति नहीं होगी वो कला का सफल होना मुश्किल है। पंडित जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत 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 धन्यवाद, आपका स्नेह मिला, आपका आशीर्वाद मिला, और आपसे इतनी अच्छी, इतनी जानकारी वाली बातें सुनने को मिली। म्यूजिकल हेरिटेज में ये थे एल के पंडित जी, जिनकी बातें आपने सुनी। अगली बार हम फिर किसी बड़े संगीतकार के साथ, गीतकार के साथ, कलाकार के साथ आएंगे, और आपको ले चलेंगे शास्त्रीय संगीत की उन जड़ों में जहाँ संस्कार हैं, जहाँ खुशबू हैं, और जहाँ हमारी और आपकी बात है। धन्यवाद।